तो जी आज हम आ गए हैं लखनऊ के अंदर फेमस आंटी मैगी वालों के यहाँ और इस समय रात के 12 बज रहे हैं। तो आंटी जी सुबह कितने बजे तक लगाते हो आप? 6:30 तक। 6:30 बजे तक तो सारा काम मतलब रात को ही होता है सर, तो भीड़ होती है यहाँ पे रात को? भाई आंटी जी कह रही बहुत भीड़ होती है। और यहाँ पे क्या क्या आप बनाते हो? आमलेट है, रोल है, अच्छा अंडा बंद है, हाफ फ्राई है, ठीक है, मैगी है। तो प्लेन मैगी का क्या रेट होता है आपके पास? 50। और अंडे वाली का? अंडे वाली 70 रुपए की। तो भाई मैगी बनेगी तवे के ऊपर, देखना पूरी वीडियो एंड तक। मतलब आंटी जी हम मैगी बनाती है रात को 11 बजे चालू हो जाता है। तो ये मैगी देखो सबसे पहले तो यहाँ पे उबाली जाएगी, ये देखिए मैगी बननी तैयार। पहले मैगी का मसाला बनाया जा रहा है जी, पहले मैगी का मसाला बना रहे हैं। सबसे पहले शिमला मिर्च काटी जा रही है और एक तरफ देखिए मैगी बिल्कुल उबल जाएगी, थोड़ी कच्ची ही रखेंगे क्योंकि बाकी इसमें पकाई जाएगी। और अब कट रहे हैं टमाटर जो कि 250 रुपए किलो तक पहुंच गए थे और आज सिर्फ 30-25 रुपए किलो मिल रहे हैं। ये देखो भाई टमाटर डाला जाएगा इसमें। क्वांटिटी जी जब टमाटर 300 रुपए किलो हो गया था जब आप डाल रहे थे और जब भी मैगी का रेट वही था। तो भाई देखो दुकानदारी अपनी जगह, ईमानदारी अपनी जगह, ठीक है। जब पूरे कस्टमर को पूरे मजे दिए जा रहे थे, माल पीछे से कितना महंगा हो जाए, माल में कोई कमी नहीं है। मक्खन भी कौन सा यूज करते हो आप बता दो? अमूल का। तो भाई अमूल का ही बटर यूज करा जाता है, तो ऐसा नहीं है कि किसी को लगे 50 रुपए में मैगी बहुत महंगी है। हाँ भाई क्वालिटी मिलेगी आपको। और ये जा रही है इसमें हरी मिर्च। ये थोड़ी लोकेशन समझाएंगे आंटी जी क्या पड़ती है, किसी को आना हो दर्शकों को तो क्या लोकेशन पड़ेगी? ये डेंटल के सामने। तो भैया भैया ने लोकेशन आपको बता दिया, मजार के बगल में, ठीक है, मजार के बिल्कुल बगल में है। ये पूरी लोकेशन आपको बता दिया, मैं मेंशन भी कर दूंगा यहाँ पे लोकेशन। ये देखिए गैस जल गई है, इसमें जाएगा ये है घी है, तेल रिफाइंड जी रिफाइंड डाला गया है इसके अंदर। ये देखिए बढ़िया तरीके से सब्जी को सौते कर देंगे। तो जी अब इसमें कई कई प्रकार के मसाले डाले जाएंगे। पहले ये हल्दी का ही कौन सी गर्म मसाला गया है फिर ये गर्म मसाला मसाला मैगी मसाला, ठीक है जी। और देखो कितने प्रकार के मसाले आ रहे हैं, इससे बढ़िया सा टेस्ट आ रहा है, चटपटी मैगी बन जाए। नमक डाल दिया गया है, देखिए भाई बढ़िया तरीके से ना इसको मैश कर देंगे। और ये जाएगा अमूल मक्खन, क्या बात है भाई। तो ये देखिए जी मैगी पूरी पलटा दी गई है, पानी पहले ही निकाल दिया गया था जिसका था। अब देखिए इस पर अच्छी तरह मैगी को पकाई जाएगी बढ़िया तरीके से। ये देखिए अभी इसमें खुल रहे हैं मैगी के पैकेट। ये देखिए भाई सारे मसाला मैगी मसाला जो है बढ़िया वाला उसमें डाला जाएगा। और डाली गई इसमें थोड़ी सी हरी चटनी, क्या बात है। तो भाई बढ़िया तरीके से पूरी मैगी को मिला देंगे। तो अंडे वाला तवा अलग ही होता है ये, तो भाई ये सिर्फ वेज वालों के लिए ऐसा नहीं है कि मतलब जिसको लगता हो कि भाई नॉन वेज भी मिक्स कर रहे हैं, अंडे वाला तवा अलग ही रहता है, जिसको भी खाना है अंडा उसी पे बनाया जाएगा। ठीक है जी। तो कितना टाइम हो गया आंटी जी आपको इस जगह लगाते हुए? हाँ यहीं पे 20-25 साल से लगा रहे हो? तो भाई आंटी जी 20-25 साल से यहाँ पे लगा रहे हैं, क्या बात है भाई। दूर दूर से लोग यहाँ पे खाने आते हैं? क्या बात है भाई। कितना टाइम से आ रहे हो भैया आप यहाँ पे खाने? भाई हम बहुत साल से आ रहे हैं। बहुत साल से आ रहे हो, मतलब क्या बढ़िया लगता है यहाँ पे आपको? यहाँ पे सब कुछ बढ़िया मिलता है। सब कुछ बढ़िया मिलता है। तो आपको कौन सी वाली पसंद है, अंडे वाली या फिर प्लेन वाली? अंडे वाली।
अंडे वाली खाने आते हैं हम लोग, अंडे वाली खाने आते हैं भैया, क्या बात है भाई, अंडे वाली आते हैं, ये नहीं कि पास से आते हैं, दूर से ही आते हैं, दूर से आते हैं भाई, बहुत मैं खुद कैटर हो के मैं यहाँ खाने आता हूँ, क्या बात है भाई, बहुत ही बढ़िया भाई, पूरी रात यहाँ पे मैगी बिकती है। देखो भाई, तो देखो एक तरफ हमारे रोहित भैया यहाँ पे अंडे फोड़ रहे हैं, तो अंडे वाली मैगी इसमें बना दी जाएगी बाद में। ये देखो, और एक तरफ हमारी प्लेन मैगी की प्लेटें लगती जा रही हैं। ये देखो मैगी पलटा दी गई है इसके अंदर, ये देखो ऊपर से आई थोड़ी सी हरी चटनी, और देखो यहाँ सब पे लग रहा है ऊपर से मैगी में अमूल बटर। जी हमारी भी मैगी आ गई है, हम तो पेन वाली मैगी एंजॉय करेंगे, इसको भी खाना है यहाँ पे। और लोकेशन मैंने आपको पूरी बता दी है, आंटी जी का ये स्टॉल लगता है 11 बजे से मिलना चालू हो जाता है। ये देखो भाई, देखो भैया का नंबर लिखा हुआ है, कुछ भी लोकेशन जाननी हो, कोई भी तकलीफ हो तो भैया को फ़ोन करना है। ये देखो भाई मैगी बनी और ख़त्म, तो भाई सोचो क्या बढ़िया चीज़ होगी ना। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर जरूर करना।